आज हम बनाएंगे चना दाल और पालक से बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट सब्जी। इसे बनाना बहुत आसान है। आप इसे सब्जी के जैसे सर्व करें या फिर दाल के जैसे, सबके साथ अच्छा जाता है। सिंपल रेसिपी है और खा के आपका मन खुश हो जाएगा। तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर ट्राई करने के बाद थोड़ी सी भी अच्छी लगे, प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे लिए हैं 1 कप चना दाल। इसको अच्छे से हम 2-3 पानी से वॉश कर लिए हैं कुकर में डाल के। इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी, आधी छोटी चम्मच नमक, और नमक हल्दी हम बाद में ऐड करेंगे तड़का लगाते समय। यहाँ पे डालेंगे आधी छोटी चम्मच तेल, जिससे सीटी से दाल बाहर नहीं निकले, तो इसीलिए हम तेल डाले हैं। दाल का 1.5 गुना हम पानी डालेंगे। ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम पर हमको 6 से 7 सीटी लगाना है। तो दाल को हमको यहाँ पे 70-80% ही पकाना है, और हम तड़का लगाते समय दाल को पकाएंगे। तो यहाँ तेल डाले हैं सरसों का 3 बड़ा चम्मच, आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच हींग, 1 हरी मिर्ची या 1 सूखी लाल मिर्ची। सबको लो फ्लेम पे इसका कलर चेंज होने दें। इसमें 2 मीडियम साइज का हम प्याज लंबे स्लाइसेस में कटे हुए डाल के प्याज को हम ब्राउन होने देंगे। इसमें ग्रेट किया हुआ 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल के अब सबको लो फ्लेम पे हम इसको भूनेंगे। तो अच्छे से हम भून लिए हैं। इसमें डालेंगे सूखे मसाले, आधी छोटी चम्मच हल्दी, और हल्दी हम दाल बनाते समय भी डाले थे, और नमक हिसाब से डालेंगे। नमक भी पहले हम डाले हैं, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हम काली मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। सबको डाल के लो फ्लेम पर हम इसको भूनेंगे। टमाटर भी डाल देंगे। टमाटर भी मसाले के साथ मिला के ढक के हम इसको 2 से 3 मिनट हम पकाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे पालक। पालक डाल के अच्छे से मसाले में मिला दें, इसको ढक दें। तो पालक को ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगेगा। 4 से 5 मिनट में पालक अच्छे से गल के देखिए कितना अच्छा गल गया है। तो बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे चना दाल। तो चना दाल हम पानी के साथ ही डालेंगे, अलग से हम पानी ऐड नहीं करेंगे। अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे नहीं डालूँगी ज़्यादा पानी। और इसमें हम डालेंगे गर्म मसाला। कसूरी मेथी है तो आप डाल दें, नहीं तो स्किप करें। और डाल के सबको अच्छे से मिला के हम ढक के 4 से 5 मिनट यहाँ पे हम पकाएंगे। अब चूल्हा ऑफ करके हम यहाँ पे धनिया पत्ता डाल के अब इसमें हम तड़का लगाएंगे। तड़का हम लगाएंगे घी से। तो घी रखे हैं 1 बड़ा चम्मच घी, इसमें सूखी लाल मिर्ची, 1 हरी मिर्ची, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल के ऊपर से डाल दें। इससे इसका कलर भी देखने में अच्छा लगेगा, इसका टेस्ट भी डबल हो जाएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी चना दाल और पालक की बहुत ही टेस्टी सी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। यदि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।